देश में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सवाल ही नहीं उठता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया था और अब हमारी सरकार को उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स के ब्याज के रूप में 70,195.72 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को अभी भी 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान करना है। ब्याज के लगातार पेमेंट के बावजूद अभी भी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मूलधन बकाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकार के ऊपर ऑयल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो हमारी सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी को कम करने की स्थिति में जरूर होती। वित्त मंत्री ने कहा है कि तेल की कीमतों को कम करने के लिए यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे। उन्होंने कहा कि वह यूपीए सरकार की तरह चालबाजी नहीं कर सकती है। वित्त मंत्री का कहना है कि ऑयल बॉन्ड्स की वजह से हमारी सरकार पर भारी बोझ पड़ रहा है और यही वजह है कि हमारी सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स में कटौती करने में असमर्थ है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर डीजल की कीमत भी 90 रुपए के आसपास चल रही है। बता दें कि पिछले 31 दिन से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं को फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.87 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। बता दें कि 18 जुलाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता जारी है। वहीं 29 मई को पहली बार मुंबई शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े के पार पहुंच गई थी। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97.45 रुपए प्रति लीटर है, जो कि सभी महानगरों में सबसे ज्यादा है। हालांकि सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। चेन्नई में पेट्रोल 102.49 रुपए प्रति लीटर और कोलकाता में 101.8 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वहीं दूसरी ओर दोनों शहरों में डीजल भी क्रमशः 94.39 रुपए और 93.2 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।